ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। फेडरल बैंक क्वार्टर टू रिजल्ट आ चुका है, अब क्या होगी आगे की रणनीति, चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरा फेडरल बैंक के रिजल्ट और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो आप देख लीजिए, प्रमोटर के पास अपनी एक भी होल्डिंग नहीं रखी हुई है। बाद में हम FIS की बात करेंगे, तो 37.46% की होल्डिंग FIS के पास है। बाद में म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, तो म्यूचुअल फंड के पास 21.44% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि प्रमोटर के पास एक भी होल्डिंग नहीं है, तो मतलब प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नहीं होगी। अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर की कंपैरिजन होगी। तो आप इसमें देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न है 0.77% की एक अपसाइड देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में परसेंटेज ऑफ नेट NPS देख लेते हैं, जिसमें 0.10% की एक अपसाइड देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है किसी बैंक में। बाद में ग्रॉस NPA देख लेते हैं, जिसमें भी 0.08% की अपसाइड देखने को मिली है, जो भी एक अच्छी बात नहीं होती है। बाद में हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, जिसमें 8.46% की एक अपसाइड देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम इस कंपनी के ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप इसमें इंटरेस्ट अर्न देख लीजिए, जिसमें 17.70% की एक अपसाइड देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में हम नेट NPS देखेंगे, जिसमें 0.19% की डाउन साइड देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में ग्रोस NPS के बारे में बात करेंगे, जिसमें 0.04% की डाउन साइड देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब नेट NPS एंड ग्रोस NPS जितना कम होगा उतना बैंक के लिए अच्छा होगा। बाद में हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, तो जिसमें 56.63% की एक अपसाइड देखने को मिली, जो कि अच्छी बात है। अभी हमने ये रिजल्ट देखे तो ये रिजल्ट मेरे को अच्छे लग रहे हैं। मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है, वो सब आ रहा है। मैं उसको बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें आपको नेट NPS एंड ग्रोस NPS की थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। सो मैं इसको बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, मैं इसीलिए इसको अच्छा बोलूंगा कि रिजल्ट अच्छा आया है। तो चलिए देख लेते हैं अभी टेक्निकल लेवल क्या कहते हैं, क्या इसके सपोर्ट है, क्या इसके रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं टेक्निकल लेवल क्या कहते हैं और बाद में हम बाय करेंगे। अगर हमें एक अच्छे लेवल पे हमें मिल जाए तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सकते हैं। अब हम आ चुके हैं फेडरल बैंक के चार्ट के ऊपर। तो आप इसमें देखिए, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है, वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन ये रेड कलर की लाइन है, जो इसने इधर एक बार सपोर्ट लिया, तो हाल फिलहाल ये अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के पास ही है। तो ऐसा मान सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा आया है तो इधर से अप जा सकता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कल मार्केट कैसा बिहेव करता है इस रिजल्ट के ऊपर। तो देखते हैं कल कैसा मार्केट बिहेव करता है, बाद में हम कोई एंट्री वगैरह लेंगे। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो ये थी हमारी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन, जो हाल फिलहाल उसके पास है। बाद में हमारी आती है पहली सपोर्ट लाइन। तो पहली सपोर्ट लाइन भी देखिए इसके आसपास ही है, मतलब 78 और 79 के बीच में है पहली सपोर्ट लाइन। तो ये भी हाल फिलहाल उसको टच करके थोड़ा ऊपर निकल चुका है, मतलब 82 के आसपास अभी है। तो ये भी बोल सकते हो कि आज ही उसने अपने क्या है कि सपोर्ट को टच कर से फिर से अपसाइड चला गया। तो बाद में देखते हैं हमारी दूसरी सपोर्ट लाइन, अगर ये इधर से इसको ब्रेकआउट करके नीचे आता है तो हमारी दूसरी सपोर्ट लाइन होगी वो है 67 के आसपास। मतलब अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो हमारी दूसरी सपोर्ट लाइन होगी 67। तो ये तो हो गई सपोर्ट के बारे में बात। अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है, आगे इसके रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो, इसका पहला रेजिस्टेंस है 98 और 99 के पास है। क्यों, क्योंकि देखो ये एक बार इधर इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, तो एक बार इधर से लेके नीचे आया था। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस लाइन होगा 98 और 99। बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो मैं इसको 110 के पास मान सकता हूँ कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। लेकिन इसको अगर पहले ब्रेक करे ऊपर जाए तब मैं 110 की ओर देखूंगा, क्योंकि देखो ये लाइन भी नीचे आ रही है, तो मतलब इससे ये लाइन को भी टच करके नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 110 तक ही जाएगा। तो देखना पड़ता है लाइव चार्ट पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ क्या हो रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो और आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।